कर सकता है आगे भी कर सकता है अभी मौजूदा तौर पर भी और माजी में भी कर सकता था और जिस अंदाज से जिस अंदाज से हमारे यहाँ कन्वर्ट किया गया हिंदुओं को मैं समझता हूँ वो भी शर्मनाक चीज खुद तो देख सकते हैं कि अगर हम लोग किसी भी सेक्टर की बात कर ले या किसी भी फील्ड की बात कर ले तो इंडियंस आर लीडिंग इंडियंस आर रूलिंग तो व... दोस्ती की ये बराबरी की सतह पे होता आम जिंदगी में भी सो so, इंडिया के साथ क्योंकि अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात हैं सो लिहाजा अमरीका को यह कहा जाए ज्यादा वीजा ऑफिसर भेजे और वो ज्यादा ऑफिसर इंडियंस करें उसको ये उन्होंने कहा अमन अमान की सूरत अच्छी होनी चाहिए मीशत के लिए ये एक अच्छी बात है ठीक जमहूरियत मुल्क के अंदर होनी चाहिए ताकि मीशत तरक्की करे अच्छी बात मुसलमान अच्छी। हर जगह सुआफात के दौर से गुजर रहे हैं मुसलमानों की बदनसीबी देखिए कि गुजशत कई दिहाइयों से जंगो जदल का शिकार है नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में दोस्तों अमेरिका की तरफ से ना पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी आई है अमेरिका के जो कांग्रेस मैन है उन्होंने पाकिस्तान को लेकर चिंता जाहिर की है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है माइनॉरिटी जो वहाँ पर है उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है इसके अलावा जो भी पोलिटिकल पार्टियाँ जैसे इमरान खान की जो पार्टी है उसको भी बैन करने की बातें सामने आ रही थी तो इन सब को लेकर जो है ना अमेरिका ने चिंता जाहिर की है तो इसी के ऊपर जो है ना पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन है मजेदार है वीडियो पूरी देखना लाइक करना शेयर करना अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेलाइकन को दबाना तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों मैं एक चीज़ को अक्सर नोट किया है और मैं समझता हूँ ये जो ट्रेंड है ये समझने की ज़रूरत है कि अमरीकी कांग्रेस जो है वो प्रो इंडिया और एंटी पाकिस्तान क्यों है ये मैं एक तस्वीर आपके सामने जो शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर ये तस्वीर बेसिकली कांग्रेस मैन ब्रैड शर्मन की है और जो कांग्रेस मैन ब्रैड शर्मन है ये मिल रहे हैं मौजूदा जो इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया डोनल्ड लू है और उनको ये कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान के अंदर पोलिटिकल पार्टी इमरान खान की है इसको क्यों बैन किया जा रहा है वहां पे हिंदू लड़कियों को अगवा किया जा रहा है और सहाफियों को मारा जा रहा है वो ये कह रहे हैं कि इन चीजों को पाकिस्तान की हुकूमत के साथ उठाओ जबकि इंडिया के हवाले से वो जो बातें करेंगे वो बड़े इंटरेस्टिंग होंगे इंडिया के हवाले से वो बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन लेंथ लेते हैं और कहते हैं वहां ज्यादा ऑफिसर वीजा ऑफिसर भेजें ताकि जो लोग विजिट करने के लिए अमेरिका आना चाहते हैं उनको प्रॉब्लम्स ना हो मैं ये नहीं कहता कि वो क्यों ऐसे कर रहे हैं बिल्कुल करें उनकी दिस इज इज चॉइस उनको उनका हक है करना चाहिए जो भी करते हैं लेकिन क्वेश्चन ये है और मैं उनकी इस चीज से भी पार्शली एग्री करता हूँ कि हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा मैं जो जो बात सही है वो करनी चाहिए अगर हम सच को सच नहीं बोलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई एनालिसिस करने का हक है और हमें कोई बात करने का हक है और जिस अंदाज से जिस अंदाज से हमारे यहाँ कन्वर्ट किया गया हिंदुओं को मैं समझता हूँ वो भी शर्मनाक चीज़ थी लेकिन मेरा जो सेंट्रल क्वेश्चन है वो है पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टी को क्यों बैन किया जा रहा है कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन के बारे ये तासुर है और ये कहा जाता है कि जो ब्रैड शर्मन साहब हैं वो पैसे लेते हैं अपने वोटर से सपोर्टर से और इसके अगेंस्ट वो लॉबिंग करते हैं एंड पर्टिकुलरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से के लोगों से पैसे लेते हैं जो अमेरिका के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करते हैं और क्योंकि कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन को पता है कि इंडिया के लिए बायपार्टिजन बा, सपोर्ट है अमेरिका के अंदर सो इंडिया के लिए अच्छी बातें करनी है ताकि जो अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट है वो ये ना कहे कि ये हमारे सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ कंप्लेन लेके आया ये इंडिया के लिए क्योंकि हम अच्छे तल्लत रखते हैं तो ये उनके लिए वो भी बात करें सो so, इंडिया के साथ क्योंकि अमेरिका के अच्छे ताल्लुक हैं सो so, लिहाजा अमेरिका को यह कहा जाए ज्यादा वीजा ऑफिसर भेजे और वो ज्यादा ऑफिसर फिर इंडियंस अलाउ करें उसको ये उन्होंने कहा है कि इंडियंस अलाउ करें ताकि जो विजिट वीजे में भारत से लोग आना चाहते हैं वो जल्दी आए और कोई बात नहीं की थोड़ा अर्सा पहले आपको याद होगा अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने जो रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट पे इंडिया को अच्छा वाले था कि इंडिया के अंदर जो रिलीजियस फ्रीडम है वो कोई नहीं है रोजाना जो है वहां पे इबादत पर हमले हो रहे हैं ये ये अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ खारजा ने कहा है ये मैंने नहीं कहा ब्रैड शर्मा ने वो बात तो नहीं की ब्रैड शर्मा ने पाकिस्तान का क्यों जिक्र किया सवाल है ना एक ब्रैड शर्मा ने ये कहा कि प्रिया कुमारी को छोटी लड़की को यंग लड़की को

पहले पूरी जिंदगी का इमरान खान साहब का जो मॉरल करेक्टर है क्या वो वो इस इस काबिल है कि वो कहें कि यूथ को आप अपनी जिंदगी जिंदगी तरह गुजारें पूरी प्ले और लड़कियों और और शराबे पीने वाला शख्स जो है जिसको हम सब ने अपने सर का ताज बनाया हुआ था क्योंकि हमारी स्टैब्लिशमेंट को नशा चढ़ा हुआ था कि तीसरी ताकत होनी चाहिए ये नवाज शरीफ और आसफ जरदारी पीपल्स पार्टी और नून कब तक हमारे ऊपर रूल करेंगे ये हमारी स्टैब्लिशमेंट को नशा था नशा लथा ना चलो अच्छा हो गया गुजर अच्छा हो गया नशा उतर गया अब वो भी चीजें ठीक हो गई इमरान खान साहब जो हैं वो पहले उन्होंने पाकिस्तान की जो यूथ है उसको बड़ा जनाब अखलाकियात के ऊपर लेक्चर देने शुरू करते हो गया ओ हो गया कौम वो होती हैं कौम एनज होती हैं कौम ये होती हैं मकर में मैं रहा हूँ वहां जमूरियत होती है वो मुझे याद है इमरान खान साहब जब वजर थे तो उनके रिलीजियस अफेयर के मिनिस्टर ने कहा खान साहब आपके हाथ में आजकल तस्वीर होती है आप रोजाना इस्लाम कुरान दीन मजहब अल्लाह रसूल कुरान दीन मजहब की बातें करते हैं लोग कहते हैं जब जवानी की उम्र थी याशियाँ करता रहा कुड़ियों के साथ जो है वो रंगरलिया मनाता रहा कई जगहों पर तो ये भी आया कि उनके जो है वो आ, इस तरह के अफेयर थे कि उनके बच्चे एक बेटी भी उनकी मौजूद है लेकिन अब क्योंकि बूढ़ी उम्र में पचहत्तर साल का होगा तो हाथ में तस्वीर पकड़ के यूथ को कह रहा कि है इधर आ जाओ वो कह रहे लड़के कहते हैं रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर ने कहा और अगर लड़के कहते हैं यंग कहती है सर जी सामू भी याशी याशीकरण दो बुढ़े होर तस्वीर फाड़ लांगे लेकिन वो मजहब कार्ड खेलता था सो अभी फिर वो सारी बात है अच्छा अगर पाकिस्तान की फौज के ऊपर पाकिस्तान के अदारों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी के ऊपर बराट शर्मन को कोई ख्याल नहीं आता ए इतनी बराट शर्मन पता लग रहा जब ब्रैड शर्मन जो अनरेस्ट पाकिस्तान के अंदर फैलती है उसका तो उसको कोई पता नहीं है ब्रैड शर्मन को दरअसल ये नहीं ना पता कि अमरीकी स्टैब्लिशमेंट के अमरीकी पैंटागॉन के और स्टेट डिपार्टमेंट के कितने मजबूत ताल्लुक है पाकिस्तान के साथ आप डोनल लू को जाके जितना मर्जी मिले, या डोनल्ड लू के साथ जितनी मर्जी बातें करें अमरीका पाकिस्तान का इंतहा इंपॉर्टेंट पार्टनर है तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और जैसा कि इस वीडियो के अंदर देखा है तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी भले ही किसी भी प्रकार की बातें कर ले लेकिन दुनिया जो इनके बारे में बात करती है ना वो बिल्कुल सच हैं पाकिस्तानियों ने अपने यहाँ पर जो है ना माइनॉरिटी है चाहे वो हिंदू ले लीजिए सिख ले लीजिए या अदर रिलीजन के ले लीजिए पाकिस्तान के अंदर उनका क्या हाल किया जाता है आए दिन हम खबरें देखते हैं तो दुनिया जब कोई बात करती है तो वो ऐसे ही बात नहीं करते कुछ न कुछ ख़राब भी में भी होती हैं इसके अलावा जो है ना पाकिस्तान के अंदर जो उनके इमरान खान है पूर्व प्रधानमंत्री उनको किस प्रकार से उनकी जो आर्मी है वो धीरे धीरे उनको ख़त्म कर रहे हैं उनकी पॉलिटिकल पार्टी पर जो है ना बैल लगाने की बातें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं तो ये तो सीधा सीधा इसको तो कोई डेमोक्रेसी कह नहीं सकता ये तो एक तरीके से ना तानाशाही पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं तो इसी के ऊपर जो अमेरिकन कांग्रेस के लोग हैं वो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं तो बाकी आपने पूरी वीडियो देखी अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद